इतनी कम उम्र में हाथी घोड़े ऊंट से कुचलकर सामने खड़े राजा को मात देकर शतरंज की हर बाजी जीतने वाली इस बेटी को लाखों सलाम। यह बिटिया उत्तर प्रदेश से सागर आई है शतरंज खेलने के लिए। अभी इस समय दीपक मेमोरियल स्कूल में शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग टूर्नामेंट चल रहा है और शतरंज की इस प्रतियोगिता में सभी की नजरें इस बिटिया पर टिक गई हैं। मीडिया जब टूर्नामेंट की कवरेज करने पहुंची, उस बेटी पर कैमरे का फोकस किया तो टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी हुई थी और इस बिसात में शय और मात का जबरदस्त खेल चल रहा था। जब कैमरे को शतरंज के बोर्ड पर फोकस किया तो बेटी ने वो चाल चली कि सामने वाले खिलाड़ी के राजा को इस बेटी का हाथी शय देता नजर आ रहा था। सामने वाले खिलाड़ी ने हाथी से अपना राजा बचाने की कोशिश की, लेकिन चाल दर चाल चलते हुए सामने वाले खिलाड़ी के हाथ जीत नहीं आई। उत्तर प्रदेश से आई इस 7 वर्षीय बिटिया का नाम संस्कृति यादव है। संस्कृति ने अभी तक इस चेस टूर्नामेंट में पहले राउंड में केरला के 14 वर्षीय खिलाड़ी को पटखनी दी। उसके बाद दूसरे राउंड में 18 वर्षीय रविंद्र राज को हराया। तीसरे राउंड में 27 वर्षीय युवक सौरव रेगवार के साथ जबरदस्त शतरंज खेलते हुए सौरव को बाजी नहीं जीतने दी। यह बात तो तय है कि इस टूर्नामेंट में संस्कृति अपने आगे किसी को टिकने नहीं दे रही। आप तो ये बताइए कि इतना अच्छा आप चेस खेल लेती हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? मुझे पहले मम्मी ने बताया, फिर पापा ने मुझे। उत्तर प्रदेश से आई 7 वर्षीय नन्ही बालिका दीपक मेमोरियल स्कूल में आयोजित इस चेस टूर्नामेंट में अपना नाम रोशन कर रही है। अभी 27 तारीख तक शेष राउंड होना बाकी है, तब तक संस्कृति यादव अपने शतरंज के खेल के और जोहर दिखाती नजर आएगी और इस बात का सभी को इंतजार है। टूर्नामेंट को बारीकी के साथ संचालित करा रहे यशपाल अरोरा ने शतरंज प्रतियोगिता से जुड़ी और जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई। देखिए, ये चेस फॉर एवरीवन इवेंट है, ये इंटरनेशनल रेटिंग इवेंट होता है। ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन होता है उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है छोटे छोटे शहरों में चेस को पहुँचाने के लिए। तो हम भाग्यशाली हैं जो सागर को ये इवेंट मिला और हम सागर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ चेस को डेवलप कर पा रहे हैं। इसमें लगभग 194 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 16 स्टेट से आए हुए हैं और छोटी छोटी जगह से आए हुए हैं, जैसे बिहार के छोटे छोटे गांव से भी आए हैं, मध्य प्रदेश के भी गाँव से आए हैं, जैसे बीना से भी, देवरी से, रहली से, ऐसे छोटी छोटी जगह से भी लोग चेस खेल रहे हैं और चेस को प्रमोट किया जा रहा है। और चेस फॉर एवरीवन का मकसद ही यही है कि छोटी छोटी जगह पे चेस को प्रमोट किया जाए। जानकारों का मानना है कि मानसिक संतुलन के साथ प्रतिभा को निखारने में शतरंज जैसे खेल का जीवन में बहुत महत्व होता है और निर्धारित उम्र में पढ़ाई के साथ ही शतरंज जैसे खेल को जीवन में शामिल कर लिया तो फिर चहुमुखी प्रतिभा के साथ धुरंधर तरीके से जीवन में सफलता पाने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी अवधारणाओं को साथ लेकर दीपक मेमोरियल स्कूल अपने कैंपस में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाती आ रही है और यह एक बड़ा अवसर होता है विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का।